डंकी भाई, डंकी मूवी अगर वन वर्ड में रिव्यू करूँ ना, ब्लू एवरेज मूवी। मूवी में कुछ है नहीं, मतलब कि ये राजकुमार हिरानी की मूवी लग ही नहीं रहा, मतलब कि यार राजता ही नहीं, मतलब कि आपको हंसी आता ही नहीं है। एक दो तीन जोक्स ऐसे हैं जहाँ पे हंसने को मिलता है। शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान का जब लो जी रिलीज हो गया, जिस चीज़ का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली शाहरुख खान की फिल्म डंकी आज सिनेमा हॉल में रिलीज हो चुकी है और लोगों के बीच में डंकी फिल्म को पसंद भी की जा रही है। दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि शाहरुख खान ने इस फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और शाहरुख खान ने जो कि इस फिल्म में काम करने के लिए बहुत ही मोटा रकम भी चार्ज किया है। आप लोगों को बता दें फिलहाल डंकी आज रिलीज हो चुकी है और फैंस के बीच में कुछ पॉजिटिव रिव्यू और कुछ नेगेटिव रिव्यू भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को बता दें कुछ फैंस को जो कि उम्मीद बहुत कुछ थी लेकिन फिल्म उतनी खास निकली नहीं। आप लोगों को बता दें जो आप सभी लोगों ने इंटरव्यू देखा है, ये एक पब्लिक रिव्यू है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं जहाँ पर शाहरुख खान के फैंस जो कि खास कोई पसंद ही कर रहे हैं डंकी को, और डंकी जिस तरीके से उम्मीद लेकर फैंस आए थे उस उम्मीद पर ये फिल्म खरी नहीं उतरी। फिलहाल फैंस का कुछ अच्छा रिव्यू कुछ नेगेटिव रिव्यू हमें देखने को मिल रहा है और फिलहाल शाहरुख खान की फिल्म डंकी आज रिलीज हो चुकी है और फैंस के बीच में देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज देखने को मिलेगा कि आखिर डंकी क्या खास कमाल कर पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं फैंस का रिव्यू। डंकी भाई, डंकी मूवी अगर वन वर्ड में रिव्यू करूँ ना, ब्लू एवरेज मूवी। मूवी में कुछ है नहीं, मतलब कि ये राजकुमार हिरानी की मूवी लग ही नहीं रहा, मतलब कि यार राजकुमार हिरानी की मूवी जितने भी आप उठा के देख लो, संजू थ्री इडियट, मुन्ना भाई, सब में कॉमेडी इमोशन डालते हैं वो हमेशा। लेकिन डंकी की फर्स्ट हाफ में बात करें तो यार डंकी में फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से उन्होंने कॉमेडी डाला है ना, मतलब कि हंसने को आता ही नहीं, मतलब कि आपको हंसी आता ही नहीं है। एक दो तीन जोक्स ऐसे हैं जहाँ पे हंसने को मिलता है। शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान का जब एंट्री होती है, ओके एंट्री है, ये नहीं बोलूँगा वाव है, लेकिन शाहरुख खान के लुक्स जो फ्लैशबैक में मूवी को लेके जाती है, तो फ्लैशबैक में जो शाहरुख खान का लुक दिखाया है ना, वो कहीं ना कहीं जीरो और फैन वाली वाइब आती है। तो इस बार ना राजकुमार हिरानी कहीं ना कहीं फेल हो गए अपनी वो छाप छोड़ने में, जो डायरेक्शन छोड़ते थे हमेशा से। देखो शाहरुख खान की एंट्री अभी एक्शन मूवी तो नहीं है कि उनका एंट्री जबरदस्त होगा, ओके ओके एंट्री है, कोई खास एंट्री भी नहीं है। अगर बाकी के सब स्टार का देखे तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने तापसी पन्नू को क्यों लिया। यार शाहरुख खान की केमिस्ट्री तापसी पन्नू के साथ अच्छा लग ही नहीं रहा है, 1% भी अच्छा नहीं है। कोई और दूसरी एक्ट्रेस को ले लेते तो थोड़ा जम भी जाती है, लेकिन यार ये क्या था। फिर उसके बाद विक्की कौशल की बात करें तो विक्की कौशल का भी काम उन्होंने ज़्यादा नहीं किया, वेस्ट किया। फिर बोमन ईरानी है, उनको भी वेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं मूवी डमर डोर है, पब्लिक को पसंद नहीं आ रही। यार मेरे को तो लग रहा था कि उठ के भाग जाऊँ। देखो अभी भी मूवी ख़त्म होने में 10 से 15 मिनट बाकी है। कॉमेडी कुछ नहीं है भाई, कॉमेडी के नाम पे इन्होंने चुतिया काटा है। क्या कॉमेडी है, इन्होंने जो स्टार कास्ट जो इन्होंने सेलेक्ट किया ना, स्टार कास्ट में दम नहीं है। विक्की कौशल, बोमन ईरानी, शाहरुख खान को छोड़ के बाकी जितने स्टार कास्ट में दम नहीं है भाई। वो लोगों के लिए क्यों जाएगी पब्लिक थिएटर में। क्या डायरेक्शन, मतलब कि राजू हिरानी के जो डायरेक्शन होता था इस बार मिसिंग है वो, जो उन्होंने थ्री इडियट बनाया, मुन्ना, सब विक्की कौशल का, शाहरुख खान का, सबका काम अच्छा लगा। एक नंबर का पिक्चर है। हाँ, लास्ट में बीच में बहुत इमोशनल है, थोड़ा एक्शन भी है, रोमांटिक है, कॉमेडी है, सब कुछ है। एक नंबर का पिक्चर है। सॉन्ग तो एक नंबर, अभी 2023 में जितना भी सब सॉन्ग आया ना, सबसे पिक्चर में सॉन्ग अच्छा है। पूरा कंटिन्यू 4-5 सॉन्ग है, एकदम फर्स्ट क्लास, एक नंबर सॉन्ग है। हाँ, सब सब पूरा एक नंबर, एकदम एक नंबर। हाँ, सबका रोल एकदम परफेक्ट, एक नंबर रोल। कॉमेडी, रोमांटिक, इमोशन, सब कुछ है, पूरा टोटल, सब टोटल है, एकदम अच्छा है। एक नंबर राजू हिरानी का तो एक नंबर, उसका तो डायरेक्ट 5/5। अच्छी, सबका काम अच्छा है। शाहरुख, हाँ हाँ, सब तापसी को भी काफ़ी स्पेस मिला है, शाहरुख जितना ही, और दोनों का काम बहुत अच्छा है, सबकी एक्टिंग अच्छी है। बोमन ईरानी का शॉर्ट रोल है लेकिन अच्छा है। शाहरुख खान की एंट्री अच्छी है, वैसी ग्रैंड एंट्री नहीं है बट अच्छी है। ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी है और फिल्म के कई सारे पार्ट्स हैं जो
काफ़ी टच करते हैं। हालांकि हिरानी की पास फिल्मों के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पास में इतना अच्छा काम किया है कि अभी इसको उससे कंपेयर करना ठीक नहीं, अदरवाइज फिल्म अच्छी। आउट ऑफ फाइव, फोर इसलिए बिकॉज एक मार्क कटेगा हिरानी के रिकॉर्ड को देखते हुए, फिल्म उस लेवल की नहीं है। बहुत बढ़िया।